Good morning, student. Today we will start our first chapter, Food for Good Health. In this chapter, we will study about the food and their nutrients. So, why do we need food? We need food to give us energy to work and play, to grow, to make our body strong and healthy. Now, how do we get these things? We get this thing by food, those who are rich in essential nutrients. Now, what is nutrient? Nutrients are a chemical substance that are essential for healthy growth and development of body. Nutrients वो chemicals होते हैं जो हमारी healthy growth और development of the body के लिए ज़रूरी होते हैं. Our food contain 5 main nutrients, mainly carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. Our body needs all these nutrients along with roughage and water to remain healthy. हमारा जो खाना होता है उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, 5 जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, एंड उसके साथ साथ उसके अंदर जो है राफेज और वाटर मतलब पानी जो है वो प्रेजेंट्स होता है जिससे हम हेल्दी होते हैं. Now, all types of nutrients have their own functions. सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सबके अपने अपने काम होते हैं. लाइक कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं इनका काम क्या होता है, ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. प्रोटीन आर कॉल्ड ग्रोथ फूड और अ बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन जो है हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम द वेरियस डिजीज. डिजीज़ का मतलब बीमारियों से. नाउ सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स आर विटामिन्स ए बी सी डी ई एंड के. ठीक है, एंड सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयोडीन. ये हमारे फूड में प्रेजेंट्स होते हैं. लाइक जैसे विटामिन सी जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे दांतों के लिए और हमारे बोन्स के लिए. तो ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सिट्रिक फूड. जैसे कि जो लेमन है, ऑरेंज है, हम उसे जो सिट्रस फूड जो है उससे मिलता है. ओके, नाउ द सोर्स ऑफ द फूड्स. कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलते हैं वो राइस, स्वीट, मेज से मिलते हैं. एंड फैट्स जो है हमें बटर, चीज़, घी, वेजिटेबल एक्सेट्रा से मिलते हैं. और जो प्रोटीन है वो हमें मिलते हैं सोयाबीन्स, मिल्क, मीट, फिश, एग, पल्सेस. विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिश एंड मिल्क से. ठीक है, देन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम फिज़िकल वर्क कर सके, खेल सके. शुगर और स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं, मतलब स्टार्च और शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और एक्सेस अमाउंट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है जिससे ऑबेसिटी क्रिएट होती है. नाउ व्हाट इज़ द फैट. फैट से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बट फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बट दे आर स्टोर इन अ बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लेटर यूज़. बट ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और वो बाद में हमें जब ज़रूरत, जैसे जैसे हमारी बॉडी को नीड होती है वो हमारे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. फिट हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म. फैट्स जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखने के यानी कि गर्म रखने के लिए भी काम आता है, जैसे कि सर्दियों में तभी हम घी जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ प्रोटीन. प्रोटीन आर नीड फॉर अ बिल्डिंग्स ऑफ अ मसल्स फॉर रिपेयरिंग वन आउटर टिश्यू.
ये हमारी बॉडी बिल्डिंग मसल्स जो है उसको बिल्ड करने में, और जो हमें जो वॉन्ड्स हो जाते हैं उसके टिश्यूज जो है हील अप करने का काम करता है, रिपेयर करने के। दैन द ग्रोइंग चिल्ड्रेन लाइक यू नीड अ मोर प्रोटीन, जैसे आप बढ़ते हुए बच्चे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। ना विटामिन क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करते हैं और उसे हेल्दी रखते हैं। मिनरल्स जो हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखता है। दे स्ट्रेंथ द बोन, ये हमारी बॉडी और बोन्स और मसल्स को जो है स्ट्रेंथ देते हैं एंड मेंटेन करते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। नाउ फाइबर एंड रफेज, फाइबर और रफेज का क्या है, दिस हेल्प ऑफ आवर बॉडी एंड वेज टू मूव ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक हेल्प करता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो ईजिली बाहर निकल जाए। और इट्स सोर्सेज ऑफ फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, इसके जो सोर्स है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, सीरियल्स, बीन्स होते हैं, मतलब इनसे हमें ये रफेज मिलता है। वाटर, वाटर का क्या काम है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और ये जो है हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो हमें रोज़ जो है 6 to 8 glass वाटर पीना चाहिए। देन रफेज एंड वाटर आर नॉट अ न्यूट्रिएंट्स, ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड दैम इन आवर डाइट टू स्टे हेल्दी। Now, what is balanced diet? A diet that contains sufficient amount of nutrients as well as enough water and dietary fibers, उसे हम बोलते हैं balanced diet, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिसमें essential amount में जो nutrients present होते हैं तो उसे हम balanced diet बोलते हैं। जैसे कि सीरियल्स, पोटैटोज, ये जो है हमारी बॉडी के लिए सभी जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है, इशेंशियल्स है। देन अलग अलग ग्रुप्स के लिए और अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग डिवाइड किए होते हैं। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फैट्स, ऑयल जो है हमें मिलते हैं। देन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट। नाउ द जंक फूड एंड ओबेसिटी, व्हाट इज़ द जंक फूड, द जंक फूड इज़ रिच इन शुगर, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन, विटामिंस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक वेफर, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये जो क्या है इनके अंदर जो है शुगर और जो कि इसमें फैट्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन विटामिंस कम होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम जंक फूड बोलते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड दे क्रिएट्स द ओबेसिटी। नाउ ओवर ईटिंग ऑफ लॉट ऑफ फैटी शुगर फूड, अगर हम इनका ज़्यादा अमाउंट में अगर हम ईट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कंडीशन ऑफ बींग ओवर वेट, जिससे हमारी बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है और वो कॉज करता है हमारी बॉडी में ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी इन ए चाइल्ड अफेक्ट देयर ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। और क्या कहते हैं, अगर हम ईट अ लॉट ऑफ बटर, घी अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हर्ट डिजीज़ हो जाते हैं। हर्ट मतलब हमारा जो दिल है उसकी जो बीमारियां यानी हार्ट अटैक वगैरह वो हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो जिससे कि हमारे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। सो जंक फूड इज़ नॉट अ गुड फूड। Okay, student, then we will discuss our topics later. हेल्थ मेकर डाइट हेल्थी है। अब हम अपने डाइट को कैसे हेल्दी बनाएं, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्राई टू ईट रॉ वेजिटेबल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, लाइक जैसे एक कैरेट हो गया, बीट रूट, टमाटो, यानी हमें सैलड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, तो हम इसमें क्या होते हैं, विटामिन प्रेजेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमें जो रॉ वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स जो हैं वो हमें वॉश करके लेने चाहिए एंड वेजिटेबल भी बिफोर पीलिंग एंड कटिंग, उन्हें छीलने और काटने से पहले हमें उन्हें वॉश करना चाहिए। वॉशिंग कट वेजिटेबल ड्रेन अवे ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो अगर हम कटे हुए सब्जियों को या फलों को धोते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो मिनरल्स और विटामिन्स होता है वो उसके साथ धोया जाता है, मतलब वो ड्रेन आउट हो जाता है वो। देन डू नॉट ओवर कुक द फूड,
तो हम जो खाना बनाते हैं उसे ज़्यादा मतलब पकाना नहीं चाहिए, और ज़्यादा जो है हमें इसे हाई टेम्परेचर में नहीं जब पकाना चाहिए। जब हाई टेम्परेचर होगा तो खाना जल जाएगा, ठीक है, तो उससे भी उसके न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सनफ्लावर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल जो है और ऑलिव ऑयल, ये क्या होते हैं, ये आर अ गुड फॉर हर्ट। ये जो ऑयल्स हैं ये हमारे हर्ट के लिए अच्छे होते हैं। नाउ स्टीम फूड, अब जो फूड जो स्टीम में बनते हैं हाँ आर मोर होलसम, मतलब वो ज़्यादा ईजिली लाइट होते हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल क्या है, इडली, ढोकला, ठीक है, एंड यूज़ अ फर्मेंटेड एंड स्पॉटेड फूड इन आवर डाइट। अब फर्मेंटेड फूड है या स्पॉटेड फूड, यानी आपने जो दालों जो पल्सेस होती हैं जब उसमें स्प्रॉट आउट निकल जाते हैं, तो जो हम वो अगर हम अपने डाइट में यूज़ करते हैं तो वो भी इन रिच ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन्स उसमें कंप्लीट अमाउंट में होता है, तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। शोकिंग एंड स्प्रॉटिंग, सोक कर रहा हुआ, जैसे कि अगर हम जो अभी मैंने आपको दालों के बारे में बताया, अगर हम बीन्स हैं, नट्स हैं, इन्हें हम रात को पानी में डिप करके रख देते हैं सोक करके, देन उसके बाद उसके अंदर जो स्प्रॉट्स निकल जाते हैं वो इम्प्रूव करते हैं उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को। नेचुरल फर्मेंटेशन क्या है ऑफ अ फूड, हेल्प टू प्रिजर्व आर न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं इन अ फूड एंड ब्रेक द फूड डाउन टू अ मोर डाइजेस्टेबल, जिससे वो जल्दी डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसके एग्जांपल क्या है, इडली एंड डोसा, इसमें भी फर्मेंटेशन होती है तो वो फूड को ईजिली डाइजेस्ट करवा देती है। देन डू नॉट स्किप अ ब्रेकफास्ट, तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कभी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, हमें सवेरे जो है ब्रेकफास्ट लेना चाहिए और नाइट में जो है हमें एक लाइट डिनर लेना चाहिए, हल्का सा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देन ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ फ्लूइड, तो हमें पानी जो सारा दिन है सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजीज़ फ्री बॉडी, हमें स्ट्रॉन्ग डिजीज़ फ्री बॉडी चाहिए जिसके लिए, और हमारा माइंड जो है वो भी अलर्ट हो और हेल्दी हो, तो इसके लिए हमें कम्प्लीटली फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। देन टू स्टे हेल्दी वी शुड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है और हमारी हेल्थ भी जो है वो अच्छी हो जाती है। देन हमारे लिए जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारा वो भी इम्प्रूव हो जाता है। योगा, साइकिलिंग, ये एक्सरसाइज करने सम एक्सरसाइज है हमारे लिए। एंड ऑल्सो टेक अ रेस्ट, अब हमें एक प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट भी लेने चाहिए। फॉर एडल्ट 6 to 8 hours हमें सोना भी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी एंड माइंड जो है वो फ्रेश और एनर्जेटिक फील करे, ठीक है। मेंटेनिंग हाइजेनिक, व्हाट इज़ हाइजेनिक हियर, इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे इंश्योर करें, क्लीन करें फॉर अपने गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। हाइजीन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें डिजीज़ फ्री होने के लिए, प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डिजीज़ फ्री। देन ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस डेली, वॉशिंग आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, कटिंग नेल रेगुलरली, बाथिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोज़ करनी चाहिए। हमें नहाना रोज चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, देन ब्रश करना चाहिए दिन में 2 times। तो ये जो है हमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्चर, वी शुड सिट स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट एंड वी शुड स्टैंड स्ट्रेट फॉर गुड पोस्चर एंड गुड पोस्चर, यानी जो हमारी बॉडी का शेप अगर सही होगा तो हमें क्या नहीं होगा, हमें पेन नहीं होगा हमारे जॉइंट में और मसल्स में, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो सीधी रहनी चाहिए ताकि हमें कोई पेन ना हो, ठीक है। तो ये पोस्चर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, डिजीज़ वो होते हैं जिसमें हमारे बॉडी या बॉडी का पार्ट कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता। डिजीज़ जो है हमें मेनली दो टाइप्स के होते हैं, जो कि
नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, ये एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं, दे नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इसे हम नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं दे आर द डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी इन द डिसऑर्डर इन द बॉडी कॉज्ड बाय ए ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स ना प्रेजेंट होने के कारण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विटामिन अगर हमारे विटामिन ए नहीं होगा हमारे बॉडी फूड में, देन उससे हमें क्या होगा, उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये डिजीज़ हो जाते हैं। तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस और इसके सिम्टम क्या होते हैं, हमें रात को कम दिखाई देता है, दिखता ही नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। नाउ इसके सोर्स क्या हैं जो हम नहीं अगर खाएंगे तो होते हैं, तो ये हैं कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो एंड मिल्क। अब विटामिन बी की वजह से क्या होता है, हमें नर्व डिसऑर्डर हो जाता है, तो इससे कौन सी डिजीज़ होते हैं, वो है बेरी बेरी। देन इसमें क्या होता है, हम जो राइस से अगर हम ना लें ना, तो और सीरियल्स, फिश जो है, अगर मिल्क ये हम प्रॉपर अमाउंट में ना लें, तो हमें ये बेरी बेरी डिजीज़ हो जाता है। विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ड, हाँ, तो ये जो डिजीज़ है हमें इस तरह विटामिन ए बी सी डी की वजह से जो है हमें ये डिजीज़ कॉज होते हैं, यानी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है हमें इनके थ्रू हो जाते हैं, कि अगर हमारे न्यूट्रिशंस, ये प्रॉपर न्यूट्रिशंस अगर हमारे फूड में ना हो तो इनकी वजह से हमें ये डिजीज़ कॉज होते हैं। नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाते हैं बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन या फिर हम उनकी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो भी हो जाते हैं, या फिर ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, उससे भी स्प्रेड होते हैं। तो दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स विच कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये वो माइक्रोब से होते हैं, यानी वो जो इसके जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते, बट ये प्रेजेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है। देन इससे डिजीज़ कौन कौन से स्प्रेड होते हैं, तो इससे डिजीज़ होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गए, ठीक है, ये जर्म्स जो हैं एक दूसरे से फैल जाते हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, देन मिजल, ये जो है डायरिया, डायपिथेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है ये डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे को हो जाते हैं। लाइक जैसे किसी ने स्नीज किया, हाँ, या फिर सिक पर्सन से जो कफ और स्नीज होते हैं उनके, या जर्म्स आर रिलेटेड इनटू द एयर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, तो ये इस तरह से कॉज किए होते हैं कि एक से दूसरे में चले जाते हैं। नाउ थ्रू द फूड एंड वाटर, अब जो ये कैसे ईटिंग, अगर हम बिना ढके हुए खाने को अगर हम खा लें, उसके ऊपर जो जो बीज होते हैं, हाउस फ्लाइज जो होते हैं उसके ऊपर बैठती हैं, तो उनसे जो डिजीज़ कॉज होते हैं वो फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, जर्म्स जो उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो उनसे होता है हमें डायरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, कॉलेरा। तो ये जो है इन्फेक्टेड, वो हम जब फूड खा लेंगे तो उसकी वजह से होता है। नाउ इंसेक्ट बाइट, अगर हमें मॉस्क्यूटो अगर काटता है तो उससे हमें कौन सा डिजीज़ होता है, तो द मॉस्क्यूटो आर द सम ऑफ द अदर इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट अ जर्म्स, कुछ अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं जर्म्स को बाय देयर बाइट्स। व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो बाइट अ सिक पर्सन, जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जब एक बीमार आदमी को अगर काट है जिसे मलेरिया हुआ है, तो वो क्या करता है, इट्स सक द मलेरिया जर्म्स, वो मलेरिया के जर्म्स को सक कर लेता है अलोंग विद द ब्लड, वो ब्लड के साथ वो जर्म्स को लेता है। फिर जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड जो वो ब्लड उसने लिया था वो जो है जर्म्स उसके अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एडीज मॉस्क्यूटो जो है, इसी तरह डेंगू जो है वो भी स्प्रेड करता है। तो रैट से क्या होते हैं, रैट फ्लाइज जो है वो प्लेग्यो जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, वॉश आवर हैंड,
Then drink water should be clean and pure. Surrounding should be neat and clean. Then we should not allow the water storage strain as it become breeding. अगर हमारे घर के पास कहीं भी स्टोर पानी इकट्ठा हो रहा है तो हमें इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर पानी वहाँ खड़ा होगा तो मॉस्किटो होंगे. नाउ व्हाट इज़ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, अगर हम जब कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए तो जो हम प्रिवेंशन लेते हैं उसे हम वैक्सीनेशन बोलते हैं. ठीक है, देन वैक्सीनेशन इज़ द यूज़ ऑफ अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन. अभी एक स्पेशल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं. तो इसमें क्या करते हैं हम, इस वैक्सीन में होता क्या है एक्चुअली, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. उस डिजीज़ के जो जर्म्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब वो जर्म्स जो हैं वो जिंदा नहीं होते हैं, डेड होते हैं. तो पर्टिकुलर जो डेड होते हैं वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं इसमें. देन उससे क्या होता है, जो वो हमें जो वैक्सीन मिलती है उससे द वैक्सीन हेल्प द बिल्ड द रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है. जो अब अगर हम ये मरे हुए हम जर्म्स लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, अंदर से हमें ताकत बनाती है कि उस बीमारी को मार दें, कि जर्म्स आए हैं इसे मारो. ठीक है, देन द मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू अ यंग चाइल्ड. तो इसी तरह हम इस वैक्सीन को एक बच्चे में देते हैं, इंजेक्ट करते हैं. फिर से क्या होता है, सम ऑफ द वैक्सीन आर दैट आर गिवन टू अ चाइल्ड. अब हम सभी ने ये दवाई ली है, वैक्सीन ली है. याद है आपको जब हम छोटे थे हमारे मम्मी पापा लेके जाते थे तो उसमें हमें क्या दिलाते थे, पोलियो वैक्सीन हमें देते थे, पोलियो ड्रॉप्स पिए ना सभी ने. देन DPT वैक्सीन है, MMR वैक्सीन. इसमें क्या होता है, DPT में डाइपिथेरिया, प्रेटिस और टेटनस. नाउ मिजेल, मम्प्स एंड रुबेला. तो ये जो वैक्सीन है हमें दी जाती हैं जिससे हमारे बॉडी स्ट्रांग बने और हम उस बीमारी से लड़ सके. ओके स्टूडेंट.